ॐ नमसिः नमसिद्धेभ्यः ॐ नमसिद्धेम्यः श्रीशान्तिवीरशिवज्ञान तथा सुविद्या आचार्ये प्रवहमान परंपरा अध्यात्म का अमय जो सबको धारू इन हृदय में अग को नशाए बोले चंद्र प्रभु भगवान की चोईसो भगवान की जय बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की बोले वी आचार्य <ग्णाओं> वीर सागर जी महाराज की बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बोले आचार्य गुरय सागर निरापक महाराज की हाँ अभी आप लोगों के सामने मंगलाचरण किया ये मंगलाचरण मुझे करना पड़ा जब मैं यहां से आचार्य जी के आशीर्वाद से श्रवण बुल गया था उन्नीस सौ की बात है वहां पर जब भी प्रवचन करता तो केवल आचार्यमार का नाम लेता तो वहां के जितने भी साधु आए थे कि आप परंपरागत ये आचार्य उनका नाम लेना चाहिए अब मैं क्या करूं हमारे लिए आदत में नहीं है तो एक महीने वसंत तिल का छंद में इन आचार्यों के नाम के साथ कहा तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये महान हम लोगों का सौभाग्य मेरा कि महान इस आचार श्रृंखला में मुझे जिन दीक्षा मिली बहुत बड़ी पुण्य की बात है तो आचार्य महाराज के इतना बड़ा आशीर्वाद वरदस्त रहा तो कि मैं उनके अंतिम जीवन में के क्षणों में मुझे उनके चरणों में आने का सौभाग्य मिला और वैसे तो रहा लेकिन इन पंद्रह दिन के अंदर जो उनकी जो परिस्थिति थी जो उन अनुभव कर रहे थे उनके चरणों में आकर मैं उन हाँ चरणों में आकर उनके भावों को समझो और उनके अंतिम संदेश समझूं इस वस्ते मैं आया और मुझे फल लावी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे ज़्यादा बोलना बोलना नहीं समय ज़्यादा हुआ है चार बज के पैंतीस मिनट हो और आचार्य महाराज और महाराज बोलना है तो मैं अभी पिछले हफ्ते बोल चुका हूँ और जो किसी कुछ बिंदु रह गए उन बिंदुओं को आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ और ये बिंदु जो हैं वे मेरे नहीं हैं इन पंद्रह दिन के अंदर मैं आचार्य महाराज के साथ रहा आचार्य महाराज ने मुझे क्या कहा ये बात आप लोगों को वह कराना चाहता हूँ जिससे आप लोग में जो संदेह है संशय है आचार्य महाराज ने लेखना नहीं लिए ले। आदि आदि जो बातें हैं और भी कई बातें आप लोग कर रहे हैं लेकिन इस इन बातों से आप लोगों को संदेह का अंत होना चाहिए क्योंकि मैं इसी वास्ते गया और मेरा आभे पर आया और इसलिए वो तत्काल मैंने जा के लिखा भी भूल न जाऊं इसलिए तो वही बात आपके सामने गुरु महाराज ने जिन शब्दों में कहा उन शब्दों को आपके सामने कह रहा हूं यह इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए ये आचार्य महाराज ने वैसे घोषणा 2014 में कर चुके हैं और संस्कार वाली बात नहीं है आचार्य वाले इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं वो तो नहीं चलते महाकवि थे कवियों को भी कवि बनने वाले से नहीं विदा देने वाले हैं तो उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार उनके विचार अनुसार वो कर चुके हैं अपनी के ये बात अलग उनने कहा अपने पास रहने वाले दोनों किताबें प्राचित ग्रंथ उनके हाथ में दिए मैं भी था उस वक्त और मुझसे भी चर्चाएं हुई ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं विद्या की बात जो भी है वो उस वक्त बात किया था तो वो उस वक्त हो चुका उनका बाहर में सामान से बने रही बात अलग कर रहे थे लेकिन स्वीकार स्वीकारने की बात अलग है इसलिए उनने फिर कहा कोई भी अब आप, आपको इस ढंग से चार पाँच साल के अंदर आपको पूर्ण रूप से आचर योग्य और क्या शिक्षा मिली इस प्रकार करके उनने विदा कर दी चार पांच महाराजों को देख करके और चार पांच साल के अंदर जो उनने पूरा परिपक्व आप लोग समझते महाराज बोलते नहीं ये क्या करेंगे हम इनको ही कहा जाता है लेकिन हम लोग क्या है इससे मतलब नहीं आप लोग कई लोग कहते थे आप भारत क्यों नहीं जाते आप कहने लगे बाहर क्यों गए ये क्या है तुम्हारे कहने से मैंने दीक्षा ली क्या तुम हमारे लिए आदेश दे रहे हो क्या समझना चाहते क्या आप यह है श्रावकों के ये आप लोग इस प्रकार बोलना चाहिए फिर भी हमने ठीक है नाना जीवा अनेक प्रकार के जीव हैं होता है हाँ ये भी एक परीक्षा है बार बार मैं बोलता हूँ ज्यादा परीक्षा ही साधुओं के लिए परिचय है परिचय ही परिचय हो गया आज तो मैं ये बात कहना चाहता हूं आचार्य हमारा इतने निष्प्र है दस साल पहले उनको दे चुके और संस्कार की बात नहीं करो अब इसी बात की आप यहां पर बोल रहा हूं कि लिखा है उसी को पढ़ रहा हूं मैं पहली बार धैर्य लिख के पढ़ रहा हूं कि आप लोगों के संदर्भ को दूर करने के लिए और ऐसे कोई ये नहीं सामान्य भाषा में लिखा जो भाषा उन्होंने बोली वो भाषा हमने लिखी है हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है क्यों आप शास्त्रीय और भाषा की बात नहीं करता हूँ जो मन में है जो मैं माई की भाषा और सामान्य भाषा नहीं अपनी को आती एक बार आती है वो आती है वो आती है, वो आती है। से आती शब्दों से नहीं आती तो मैं बोल रहा हूं कि आठ फरवरी को मैं आया तीन तारीख को पांच दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण श्री जी के साथ हम सभी मुनियों मुनिराजों ने किया अब 9 फरवरी को देख दोपहर दो, दो बजे के करीब श्री जी दीर्घ शंका के लिए गए मैंने कमंडल का हन उनका कमंडल लेकर रखा था पीछे से पूज सागर थी और निसीम सागर जी और एलक जी जीवित थे आचार्य दीर्घ शंका से वापस आए तब निशिम सागर ने शुद्धि कराई पूज्य सागर जी और दैर सागर जी ने आचार्य के मुँह हाथ पर पहुंचा सफाई की आचार्य काय स्वर किया उसके बाद मेरी ओर देखा खड़ा था तो मैंने तो मैं पास में बैठ गया बाकी महाराज थोड़े से बैठने से थोड़े से हट गए तब आज आप सुनिए, बोले देखो कल हमने आप आचार सी पद का त्याग करके का करने का संकल्प लिया है देखो क्या कहा मैं संकल्प ले लिया आचार पदकार त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया मुझे ये इस बात से ये है आप लोगों करवा मेरे लिए तो ये डायरेक्ट बात की है और हम वही बात आप लोगों को सुना रहा हूँ मैं उनके शब्दों में मैं अपनी सब में नहीं आया तो ये मेरे आने का यह सार्थकता हो गई आचार्य महाराज जी अंतरिम अंतिम और दो आप लोग संदेह न हो ये दो बात कहके चले गए आ? बड़ा प्रश्न किया संघ दायित्व तो एवं ज़िम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूं मैं पूर्ण निवृत्त हूं मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी सं विकल्प नहीं है बताओ मेरी संकल्प पूर्व संकल्प पूर्वक से लिखना चल रही है बताओ समझ रहे सुन रहे अब इतनी बात भी क्या आप कहोगे और मोबाइल पे गड़ब अपने अपनी बातें कहोगे सुनोगे हमें हमें सुनाओगे मैं सबकी सुनाऊ सुनूंगा नहीं समझे और क्या कहते है? देखो मेरी संकल्प पूर्वक से लिखना चल रही है आप लोग मेरी समाधि के बाद के बातें उचित समय पर अब देखो सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निर्यापक हाँ एवं नि, निर्यापक और एवं संपूर्ण संग मिलकर ज्येष्ठ ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप पद पर प्रतिष्ठित कर देना और आप सुनिए और जब तक मैं यहां हूं समाधि नहीं है तब तक तो कोई किसी किसी की बातें न करना क्या कहा जब तक मैं समाधि ही नहीं होती है तब तक आप लोग इसी से बातें नहीं बताए बताएंगे आप लोग कायसव कर ले वहीं पास से तब हम सभी ने का किया उसके बाद हमने ये बातें करके रख लिया आज आपके सामने सामने रख दिया क्योंकि पिछले हफ्ते में बातें बहुत कर चुका हूँ लेकिन ये बिंदु कहना जरूरी था मुझे याद आ गया इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ तो आचार्य महाराज इतने सालों से कई बार कह चुके जो ज्ञान सागर जी की समाधि उन्हें कराई और उसकी अनुभूति की और उन्हें जिन राशि को प्राप्त किया था वो क्या ऐसे ही गायब हो गए क्या नहीं पूर्ण हुआ उसका फल उन्हें मिला और उनने बड़ा हाँ, मुनि समाज को एकत्रित करके आपके सामने रख दिया बहुत बुरी साधना है यह अंतरंग का फल है और मैंने ये भी देखा जो ये शब्द ज्ञान है काम में नहीं आता अंत में बुद्धि बस ओम भी यदि उच्चारणित होता है तो बहुत बड़ा उन्हें ज्ञानवान माना जाएगा क्यों उस वक्त भी वो इतने सद के साथ ओम में लीन हो रहा है ओम को ही जागृत हाँ, उनमें लीन हो चुका है और उसे कोई इस प्रकार का विकल्प नहीं है तो आप ये सब बातें ठीक है आप आप लोग जो है ना आप लोगों की बुद्धि केवल प्रदर्शन की वो दृष्टि दिखती है उन्होंने ऐसा किया तो इसको यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया ये क्यों ऐसा क्यों हमसे कई बार पूछ चुके कई बार लोगों ने पूछा मेरा ऐसे क्यों करते क्या ऐसे क्यों करते क्या आगम हट हटके करते ये बताओ आगम हट हटके करते हो तो बताओ बाकी तुम देखते जाओ बात यह है कि हम लोग यही देखते हम लोग इसलिए शुरू से हम मौन बने रहे जो आचार्य मार्ग कहते हैं वो करना है हमें अपनी तरफ से कोई बात करना नहीं तभी तो हम पचास साल तक गुरु महाराज के साथ रहे हम बाहर जाए यदि गुरु करते हाँ भार कर हमारे तो, तो है क्या करना है देखो अनंत काल से कई बार हमने भी ज्ञान किया प्राप्त किया सब कुछ विद्वान बने सब पर्याय को प्राप्त किया फिर भी क्यों आ गए नीचे तो क्या मतलब है इसका मतलब हम आगमुक्त ज्ञान का परिपालन नहीं किया इसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति हो गई हमने इस बार इस भाव में हमें बोलना कुछ ना नहीं बुलवाते हैं तो बोलना है हम अब तक से बोलना नहीं हमें एक बहुत अच्छा एक श्लोक मिला उस बहुत हमारे लिए आनंददाय और सहन शक्ति हमें प्राप्त होती है क्या है गुरु रज्ञा महापूजा गुरु रज्ञा महोत्सव गुरु रज्ञा सदा मान्या कंटे प्राण गटेर पी बताओ क्या बात कही सब इसमें हो गया महोत्सव भी है पूजा भी है और यह है कि वहां तक जीवन के अंत तक आप जब तक आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये श्लोक आपके जीवन में घुलना चाहिए तभी यह काम हो सकता है आप कितनी सार पढ़ लो समझ पाओ छठखंडा पढ़ो कोई मतलब पढ़ना चाहिए अभी नहीं कह रहा लेकिन यह अंत में क्यों पढ़ रहे हैं ये बात है वहां पर मन लगाने के लिए लेकिन वहां उस वक्त मन लगाना है उस वक्त ये बड़े ग्रंथ लगते नहीं वहां पर तो नमोकार मंत्र ही कह बस सबको आपको मनोवचन काय पूर्वक शीतलता को देने वाला है समय आपका हो गया है हमने आपकी भावों को समझ करके बात की है अब आगे जो भी हम कदम उठाएंगे उसमें किसी भी प्रकार है दगलबाजी तो हम इसके भागीदार नहीं तुम तो कुछ भी करते हो क्योंकि असम की भाषा कभी भी कुछ भी कर सकते तो कुछ फिर भी हमारा कर्तव्य था हमने गुरुवार ने कहा था तब तो हमने कहा अब आप लोग आप जाने आपको काम जाने में यही कही आप लोग बहुत जिंदगी मिली तो पुण्य से मिला है इस कार्य के लिए आप सभी लोग सद्भावना के साथ आ, इसका मंगल कार्य को संपन्न करेंगे यही हमारी भावना है विद्यासागर जी महाराज की जय